तनाव जीवन का एक ऐसा पहलू है जो बहुत से लोगों के जीवन में कड़वाहट ला रहा है। तनाव किसी मशीन के घर्षण की तरह है। तनाव आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। अगर आप अपने शरीर, अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा को मैनेज करना जानते हैं तो तनाव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनकी जॉब, उनका परिवार, उनके जीवन के हालात, टैक्स, भरे जाने वाले बिल तनाव का कारण है। मूल रूप से तनाव का मतलब है कि आप अपने सिस्टम को मैनेज नहीं कर पा रहे, यानी आपके सिस्टम में सही तरह से काम करने के लिए चिकनाई की कमी है। हर किसी के सामने नए नए हालात आते ही रहते हैं, पर हर इंसान उन्हें अपने तरीके से मैनेज करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके भीतर उनका अपना सिस्टम कितनी सहजता से चलता है। अगर आप जानते हैं कि इस मानव तंत्र यानी ह्यूमन मैकेनिज्म को कैसे मैनेज करना है तो तनाव होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले आपको खुद पर काम करना होगा। अगर आप अपने जीवन का विस्तार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर काम करना होगा, क्योंकि आप दुनिया में कितने सफल होते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये सिस्टम घर्षण और रगड़ से कितना बचा हुआ है। आप अपने सिस्टम को एक बिना घर्षण वाली स्थिति तक ला सकते हैं छोटे छोटे अभ्यासों की मदद से। ये काफी हद तक ऐसा हो गया है, विशेष रूप से मैनेजमेंट क्षेत्र में। अगर आप सीईओ हैं तो आपको कम से कम अल्सर होना चाहिए, वरना आप एक अच्छे सीईओ नहीं है। आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम तनाव को एक प्राकृतिक घटना मान रहे हैं। नहीं, तनाव होने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने सिस्टम को संभाल नहीं पा रहे हैं ना। आपको अपने शरीर को संभालना, अपने शरीर के रसायन को संभालना, विचारों और भावनाओं को संभालना नहीं आता है, और आप बोल रहे हैं कि ये किसी और वजह से हो रहा है। नहीं, बाहर की परिस्थिति लोग उस तरह से बनाएंगे जिस तरह से वे जीवन को जानते हैं। भीतरी परिस्थिति को वैसी बनाना जैसी आप चाहते हैं, ये आपका काम है ना। दुनिया में हर चीज 100% आपके तरीके से नहीं होगी, कभी भी नहीं, लेकिन कम से कम इस एक व्यक्ति को आपकी इच्छा अनुसार चलना चाहिए, है ना। इस समय ये व्यक्ति आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। आप अपने आसपास की किसी भी तरह की कट्टर परिस्थिति या दबाव वाली परिस्थितियों से भाग सकते हैं। आप उस जगह को छोड़ सकते हैं। 100-200 साल पहले किसी स्थान को ऐसे छोड़ना संभव नहीं था, लेकिन आज अगर आपको ऐसी परिस्थिति मिले जो आपके जीने के तरीके के लिए बिल्कुल सहायक ना हो, तो आप उस जगह को छोड़ सकते हैं और कहीं और जा सकते हैं, है ना। यह अतीत में संभव नहीं था, लेकिन आज आप सहज तो होना चाहते हैं, पर आप में से whole lot of you are taking pride। काफी लोग ध्यान की कमी और अपने तनाव को एक योग्यता के तौर पर देखते हैं। मुझे स्ट्रेस है। क्या यह किसी तरह की काबिलियत है? अगर आपके पास चॉइस होती कि आप अपने भीतर कैसा होना चाहते हैं तो आप क्या चुनेंगे, खुश होना या दुखी होना? आपको अभी बताना होगा, मैं आशीर्वाद देने वाला हूं। आप खुद के लिए क्या चाहते हैं ये बिल्कुल साफ है ना। यदि खुश होने या दुखी होने के बीच चुनना हो तो आप खुश होना चुनेंगे। आप अपने पड़ोसी के लिए जो चाहेंगे उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन आप अपने लिए जो चाहते हैं वो 100% स्पष्ट है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें सफल होना चाहते हैं, कोई संदेह नहीं। पर आज सभी कामयाब लोगों को देखिए, वो संदेश फैला रहे हैं, सफलता दुख है, सफलता कष्ट है। अगर आप ये संदेश फैलाएंगे तो अगली पीढ़ी सफलता नहीं चाहेगी। शायद उनके मन में ये शब्द ना हो, मगर वो सफलता नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो आपकी सफलता देख रहे हैं और वो आपकी तरह नहीं होना चाहते। उन्हें लगता है कि वो गांजा पीकर बेहतर है, और वो हैं। ये सच है। तो आपके सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है शरीर की सुखदता, मन की सुखदता, भावनाओं की सुखदता और आपकी जीवन ऊर्जा की सुखदता। Human being is geared to do a lot। इंसान बहुत कुछ कर सकता है। ज्यादातर इंसानों की समस्या ये है कि उनका मन ही उनके खिलाफ है। जब आपकी समझदारी आपके खिलाफ हो जाए तो आप खत्म। देखिए, आप इसे तनाव कह सकते हैं, चिंता कह सकते हैं, आप इसे दुख, पागलपन, जो चाहे कह सकते हैं। मुख्य रूप से यह आपकी समझदारी का आपके खिलाफ होना है।